हे गाइस, मैं अनुज, स्वागत करती हूँ आपका स्मार्ट प्रिपरेशन में। ये साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे पेपर प्लस जैसे सीजीएल सीजीएसएल एमटीएस सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरा सीरीज देखिए, इसका 19th पार्ट है। इसके पहले मैं 18th पार्ट तक अपलोड कर चुकी हूँ जो कि प्ले स्टोर में, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब बटन है, उसे जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज का कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई इस, ये सारे आपके ऑप्शन है जिसका आंसर होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये देख रहे हैं आप मशीन। आपने देखा भी होगा एक मशीन होती है जिसमें पेशेंट को लेटा के अंदर भेजा जाता है, जिसमें बॉडी का फुल स्कैन किया जाता है। ठीक है, इस स्कैन में क्या क्या यूज होता है? इसमें होता है मैग्नेटिक फील्ड को बनाया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव का भी यूज किया जाता है जिससे बॉडी का पूरा इमेज लिया जाता है। ठीक है, जिसका चिकित्सा वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि जिंजर इज अ स्टेम नॉट अ रूट बिकॉज, ये सारे आपके ऑप्शन है। यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठें और पारियाँ होती हैं, या इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है इस वजह से, या फिर मृदा में छाती दिशा में बढ़ती इस वजह से। तो इसमें इन सभी कारणों में से कौन सा ऐसा कारण जिसकी वजह से जिंजर को स्टेम माना जाता है, रूट नहीं माना जाता है? तो वो है सेकेंड नंबर, इसमें गांठें और पारियाँ होती हैं, यानी इट हैज़ अ नोड एंड इंटर नोड। ठीक है, ये जो है, मैं इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन कवर किया है, जैसे कि आलू। ठीक है, पोटैटो, आलू जो है क्या है, ये भी स्टेम है, इसमें भी नोड और इंटर नोड होते हैं। जिसमें भी इंटर नोड एंड नोड होगा तो वो होगा आपका तना। ठीक है, और ये आपकी ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर इसका आंसर। अदरक आलू ये सब क्या है, स्टेम है, तना है, रूट में ये नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच रिसोर्स ऑफ विटामिन B12? आपका ऑप्शन है दूध, तरबूज, सेब, काजू। तो इसका तो आंसर होगा पहले आपका मिल्क। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। B12, पहले सबसे पहले इसके बारे में जानिए कि B12 विटामिन का रासायनिक नेम क्या है। तो इसका नाम है साइनोकबाला मीन। ठीक है, साइनो कबाला मीन, ये याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये जो है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये पूछा जा चुका है कि इसमें होता है एनीमिया रोग होता है B12 की कमी से। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है, और इसकी इससे एक और क्वेश्चन बनेगा कि ये जो इसका एक और नाम है प्योर नॉन वेज विटामिन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फल तरबूज, मतलब फल और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ जैसे मिल्क में हो गया, मीट में हो गया, मांस वगैरह, या फिर ठीक है कलेजी में हो गया, ये इसमें पाया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं प्योर नॉन वेज विटामिन। ठीक है, उसे इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका हो गया फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप हैज़ अ मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो पहले आप प्रोटीन के बारे में जानिए। प्रोटीन का यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड इसकी यूनिट है। जो प्रोटीन है किससे बना होता है, इसमें क्या क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये जितने भी पोषक तत्व है, एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है प्रोटीन में। ठीक है, हमारे बॉडी का 15% हमारे बॉडी में 15% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको जानना जरूरी है। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4.3 कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 कैलोरी मिलती है, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पूछा जा चुका है आप। ठीक है, जो जो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, मैं इस पर डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको सबके बारे में पता हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसमें इतना पाया जाता है, 4.3 कैलोरी ऊर्जा पाया जाता है। अब इससे एक चीज़ और पूछा जाएगा, इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं। देखिए, एक तो होता है इनिशियल और एक होता है नॉन इनिशियल। इनिशियल वो है जो कि हमारे शरीर में, मतलब कि नहीं होता, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। और नॉन इनिशियल वो है जो हमारे शरीर खुद बनाता है, इसमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, दोनों ही की 10-10 है। इसमें भी 10 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें भी 10 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट क्लास का प्रोटीन है, जिसमें कि मांस आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, इसमें हर तरह के
हर तरह के सारे के सारे यानी कि सारे के सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं इसमें, इसे बोलेंगे फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास में जिसमें कुछ नहीं पाए जाते हैं वो आ जाएगा सेकेंड क्लास में, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में क्या क्या आ जाएगा, मांस आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, ये सब किस में आएंगे, फर्स्ट क्लास में आएंगे। इसमें सभी तरह के हर तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसलिए इसे फर्स्ट क्लास का प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, इसका आंसर मैंने बताया नहीं, इसका आंसर होगा आपका सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन है इस इन सबों में, सब सोयाबीन है जिसमें कि सबसे अधिक प्रोटीन होती है, ठीक है, इस ऑप्शन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम। ये सारे आपका ऑप्शन है, रेनिन, पेप्सिन, इंसुलिन और एमिलासिन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पहले तो आपका इंसुलिन, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन इज नॉट एंजाइम। ये क्या है, ये हार्मोन है, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी कमी से क्यों कौन सा रोग होता है, मधुमेह या फिर डायबिटीज को बोलते हैं, मधुमेह या डायबिटीज। हमारे स्टमक से जो एंजाइम निकलते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक में पहले तो कौन सा इसमें से निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें रेनिन, पेप्सिन और एक होता है लाइपेज, ठीक है, लाइपेज नाम का एंजाइम निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है और ये फोर्थ भी एंजाइम है, लेकिन इंसुलिन इज अ हार्मोन, ठीक है, थर्ड नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज, ये सारे आपके ऑप्शन है, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल, रोनाल्ड रस या फिर एंटी वेन लिवेन हॉक। तो इसका आंसर है आपका विलियम हार्वे, ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका आंसर है। ब्लड का परिसंचरण यानी कि जो ब्लड चलता है उसका किसने व्याख्या किया था पहली बार, तो ये किए थे विलियम हार्वे ने। ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, इसके बारे में याद रखें, कनेक्टिव टिश्यू या फिर इसको बोलेंगे संयोजी उत्तक, ठीक है। ब्लड के बारे में अध्ययन करने को क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, ये सब पूछे जा चुके, इसलिए मैं आपको ये सब बताती हूँ, ठीक है। तो हमारे शरीर का लगभग, हमारे शरीर के भार का 7% है ब्लड हमारे शरीर में, ठीक है, लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है शरीर में, ठीक है, जिसका नॉर्मल जो कि स्वस्थ मानव उसके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। हमारे बॉडी के मास का 7% या फिर 4-5 से लेकर 6 लीटर तक पाया जाता है ब्लड, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू क्या होती है ब्लड की, 7.4, ठीक है, पीएच वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि 7 से ऊपर है तो ये क्या है, क्षारी में है, अगर 7 से नीचे होता तो ये क्या होता है, एसिडिक होता है, तो हमारा ब्लड क्षारी में आएगा, बहुत माइल्ड क्षारी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इसका हो गया आंसर विलियम हार्वे। नेक्स्ट है, संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल कौन सी है गाय की। द बेस्ट मिल्क ब्रीड इन द वर्ल्ड इज सिंधी, देओनी या चिटगोंग या फिर होल्स्टीन फ्रीजियन। तो ये एक गाय की प्रजाति है जो बहुत ही ज़्यादा दूध यानी कि अधिक मात्रा में दूध देती है, देख सकते हैं आप ये पिक्चर, इस तरह की जो गाय होती है बहुत ही अच्छी ब्रीड होती है जो कि बहुत ज़्यादा दूध देती है, अच्छी मानी जाती है। तो ये है इसका आंसर होल्स्टीन फ्रीजियन, ठीक है, फोर्थ नंबर इसका आंसर हो गया होल्स्टीन फ्रीजियन। ये मुख्य रूप से इसका ब्रीड है पाई जाने वाली कहाँ की है, ये है हॉलैंड की, ठीक है, हॉलैंड की होल्स्टीन फ्रीजियन, इसके नाम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ताप का अच्छा सुचालक और विद्युत का बुरा सुचालक होता है। विच ऑफ द कंडक्ट फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि गुड कंडक्टर है हीट का और बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, माइका, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस या फिर सेल्यूलोड या फिर परफिन वैक्स। मैंने इंग्लिश में लिखना भूल गई तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा माइका। माइका जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को तो अच्छे से ये कंडक्ट करता है, पहुंचाता है, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता। आपने माइका देखा होगा, हीट होगा तो ये पूरा को हीट पूरा जगह पहुंच जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इससे नहीं जा पाता, नहीं इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेवल नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन ऐसा है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का लेकिन बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका वाटर, ठीक है, वाटर हो जाएगा। तो इसका हो गया फर्स्ट नंबर आंसर माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
जब चलती हुई कार अचानक से रुक जाती है तो उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ, सारे आपके ऑप्शन है, अभिकेंद्रीय बल, जड़ की गति की जड़ता या स्थिरता की जड़ता, या फिर गुरुत्वाकर्षण, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपने पढ़ा होगा न्यूटन, न्यूटन के बारे में पढ़ा होगा। इन्होंने तीन लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। सॉरी, जो ये सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ में क्या कहा था? सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ में तो पहले आती है क्या आता है, मोमेंटम, ठीक है। उसी में आपका एक आता है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीन तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो है, जैसे कि अगर गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है और अचानक से रुकता है तो जो इंसान इसमें बैठा है यात्री, वो आगे की तरफ झुक जाता है। ये किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका यानी कि इनर्सिया ऑफ मोशन, थर्ड नंबर इनर्सिया ऑफ मोशन, यानी कि जब हम चल रहा है, हम चल रहे हैं तो हमारा आधा यानी कि पैर जो है टच में है, उस कार के टच में है, यानी कि इसके साथ ये मोशन में है। जब ये गाड़ी रुकेगी तो हमारा आधा पार्ट जो रेस्ट में है इसे कवर करने के लिए आगे की तरफ झुक जाता है, नहीं ऐसा होगा तो वो इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा आधा पार्ट मूवमेंट में है और आधा रेस्ट में है, ठीक है। तो ये होता है किसके कारण? इनर्सिया ऑफ मोशन के कारण। तो थर्ड नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि अगर गाड़ी रुकी है और उसमें कोई पैसेंजर बैठा है, यानी कि वो रेस्ट में है, और गाड़ी अचानक चल दे तो कैसे क्या होगा, तो वो पीछे की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इनर्सिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए आंसर होगा थर्ड नंबर, इनर्सिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आग बुझाने वाली गैस है, द गैस यूज्ड टू एग्जॉस्टिंग फायर इज, ये सारे आपके ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नियॉन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है आग को बुझाने के लिए। जो आपने देखा होगा मॉल वगैरह में, रेड कलर का एक सिलेंडर रहता है, उसमें जो भरी होती है गैस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, CO2, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से डिनोट करते हैं, ठीक है, नियॉन को N से, Ne से, और नाइट्रोजन को N से, ठीक है। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? कन्वर्जेशन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय, सोलर ऊर्जा के द्वारा, ग्रामोफोन के द्वारा, माइक्रोफोन के द्वारा, या लाउड स्पीकर के द्वारा। तो ये किया जाता है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में जो है आप साउंड एनर्जी देंगे तो वो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। इसी तरह आपके और सब ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। जो लाउड स्पीकर है वो क्या करता है? ये होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। और ये सोलर सेल क्या करता है? ये सोलर सेल जो सौर एनर्जी को यानी कि सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर इसका आंसर हो गया माइक्रोफोन, साउंड एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? माइक्रोन इज इक्वल टू, तो ये होता है 0.001 mm। इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, सब यूनिट तो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलेक्ट्रिक स्टैटिक परसिपेटर किस पर नियंत्रण करता है? इलेक्ट्रिक स्टैटिक परसिपेटर इज यूज टू कंट्रोल रासायनिक प्रदूषण पर, रेडियोएक्टिव प्रदूषण पर, जल प्रदूषण पर, या वायु प्रदूषण पर। तो इसका आंसर है वायु प्रदूषण पर। आप ये देख सकते हैं वायु में जो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, धूड़, कर इस सबको ये कंट्रोल करने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इसको वायु को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। फोर्थ नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज, इसका नाम बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड है, या कैल्शियम फास्फेट है, या सोडियम फास्फेट है, या सोडियम सिलिकेट है। तो इसका आंसर होगा सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट जो है उसको डिनोट करते हैं SiO4 से, ठीक है। सोडियम सिलिकेट को इसको डिनोट करते हैं। इसका यूज़ जो होता है ग्लास बनाने में होता है, ठीक है, मिट्टी के पात्र वगैरह बनाने में भी होता है, ठीक है। तो और ये जो सोडियम सिलिकेट है ना, हमारे अर्थ में पाया जाने वाला मोस्ट यानी कि सबसे सेकेंड यानी कि सेकेंड ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है, क्या है ये? सोडियम सिलिकेट, ठीक है। SiO4 से डिनोट करते हैं, इसे क्वार्ट्ज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तथा कथित पदार्थ के चौथे रूप को क्या कहा जाता है? सो कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर रेफर टू, पारा, LPG, सूखी बर्फ, या फिर ड्राइस आइस, या फिर लास्ट है प्लाज्मा। इसे कहा जाता है प्लाज्मा। जो स्टेट है मैटर का, स्टेट कितने टाइप के होते हैं? आपने अभी तक पढ़ा होगा सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा,
इसके अलावा एक और स्टेज होता है, वो है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा होता है जो कि ये भी नया नया खोजा गया है। ये जो है ये मतलब कि ये जो प्लाज्मा है, एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा एक फोर्थ फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, इसके अलावा इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाई केमिस्ट, कब किया गया था ये, लर्विंग लैंग्वर इन 1920 में किया गया था इसका। और प्लाज्मा कैन बी, ये है आर्टिफिशली जनरेटेड होता है हीट और सब्सटेटिंग नेचुरल गैस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होता है इसमें, और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव भी होता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में याद करिएगा, आप याद रखिएगा प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है मैटर का। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए व्यूवर तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।